The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So talking about generalized anxiety disorder. See, anxiety, generalized anxiety disorder या anxiety एक mental disorder है जिसमें एक person को बहुत ज़्यादा चिंता होती है, is often worried, anxious about many things और he finds it very hard to control this feeling. So आप बहुत चिंता करोगे, बहुत worry करोगे, ऐसी बीमारी इसको, बस nothing else. This is it. You worry so much कि वो worry आपको doctor के पास ले जाएगी, 100 बार टेस्ट करवाएगी और सब करते रहो. सो दिस जनरलाइज एन्जाइटी डिसऑर्डर इज अपने आप में एक बीमारी है और जनरलाइज एन्जाइटी डिसऑर्डर का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है. इट इज़ अ जेनेटिक पार्ट है, उसमें आपकी जीन से एक प्रो करती है और स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है. स्ट्रेस कॉन्ट्रीब्यूट करता है जनरलाइज एन्जाइटी डिसऑर्डर में. सो आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत कॉमन है, किसी को हो सकता है, एनी वन कैन डेवलप दिस प्रॉब्लम. बच्चों में हो सकता है, बड़ों में, बूढ़ों में हो सकता है, ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में. और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का मेन सिम्टम है फ्रीक्वेंट वरी, टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन, वरी. एटलीस्ट 6 महीने से ज़्यादा अगर हो रहा है वरी तो फिर वो JID जनरलाइज डिसऑर्डर में आ जाता है. और उसका कोई या तो ना के बराबर या कोई स्पेसिफिक कारण नहीं मिल रहा, राइट. कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, बाई तरफ दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक तो नहीं है, सब टेस्ट हो गए, हार्ट अटैक तो नहीं है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन्जाइटी, राइट. वरीज़ आपके हमारे सबकी लाइफ में है, बट एक लेवल के ऊपर होना, राइट. इतना जितना प्रॉब्लम आपके फैमिली को परेशान करे, आपके रिलेशनशिप, स्कूल, वर्क, राइट, पैसे, हेल्थ, उसको परेशान करे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट. अगर आपका वरी है और ये बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ अ कंसर्न. उस केस में आपको तो डिफ़िकल्टी हो ही रही है कंट्रोल करने में, आप डॉक्टर ही डॉक्टर बदलते जाओगे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो सिम्टम क्या है, वरी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, थकावट रह सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, और जब उठे हैं तब भी रेस्टलेसनेस रह सकती है. और फिजिकल सिम्टम भी आ सकते हैं, जैसे कि मसल टेंशन, मसल पेन, स्टमक अपसेट, स्वेटिंग, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये सब हो सकता है. जनरलाइज एन्जाइटी या एन्जाइटी डिसऑर्डर में जो देर इज़ नो टेस्ट टू डायग्नोस इट, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि ये टेस्ट करा लो डायग्नोसिस पक्का, ना. ये आपकी हिस्ट्री, आपके सिम्टम्स और आपके इवेल्युएशन के ऊपर है. जब अगर आपकी चिंता को कोई कारण नहीं है, हमने आपको 2 बार समझा दिया फिर भी आप चिंता कर ही रहे हो और बार बार वापस, देन यू हैव एन्जाइटी, देन नो डाउट यू हैव एन्जाइटी. सिंपल सी चीज़ है और बहुत कॉमन सी चीज़ है. ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट गोल बेसिक चीज़ है कि आप बेहतर फील करें, अपनी सिंपल डेली लाइफ जी सकें, स्ट्रेस ना लें. उसके लिए टॉक थेरेपी आती है, बातें करना, और आपसे डॉक्टर बात करेगा, काउंसलर बातें करेगा, और दवाइयाँ आती हैं, दवाइयाँ भी है, और आप खुद की भी हेल्प कर सकते हैं. सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ केयर पर भी बातचीत होगी. सो ट्रीटमेंट में जो टॉक थेरेपी है उसमें एज आई सेड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बेसिक एक जो बातचीत बोलते हैं जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जिसमें अंडरस्टैंड किया जाता है आपको कि आपके जो व्यूज़ हैं, जो स्ट्रेसर्स हैं, कौन कौन से हैं और कैसे उसके ऊपर आप कंट्रोल पा सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत होती है, राइट. और पैनिक अटैक्स अगर आते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उसको पैनिक कर रही हैं, कौन से थॉट्स हैं जिनको आपको कंट्रोल करना है, अवॉइड करना है. स्ट्रेस आता है तो रिलैक्स कैसे करना है, सिम्टम्स आते हैं तो रिलैक्स कैसे करना है, और ऐसी कोई माइनर प्रॉब्लम जो बड़े में बड़ तब्दील हो जाती है उसके तरफ कैसे अवॉइड करना है अपना ध्यान, ये सारी चीज़ें आपके CBT में आती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. बिहेवियर आपका ठीक किया जाता है थ्रू टॉकिंग, जस्ट टॉकिंग सेशंस, राइट. दवाइयाँ, मेडिसिन आती हैं डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, एन्जाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए. तो ये दवाइयाँ जो होती हैं ये सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स होती हैं. सेडेटिव्स आपके दिमाग को थोड़ा शांत कर देता है और हिप्नोटिक्स जो होती हैं वो नींद दिला देता है. सो मेडिसिन शुड बी टेकन ओनली आफ्टर अ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब. डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो ही लेना है, और डॉक्टर ने जैसे बताया वैसे ही लेना है. 10 दिन बोला 10 दिन, 1 महीना बोला तो 1 महीना. यू हैव टू फॉलो द डॉक्टर्स ऑर्डर्स, राइट. डॉक्टर आपको लिमिटेड अमाउंट के लिए दवाई देगा और आपको दवाई रोज़ यूज़ करनी है, और कभी कभी कोई कोई दवाई होती है जो कभी कभी यूज़ करनी होती है वो डॉक्टर बताएंगे, ठीक है.
और दवाई फिर वो अपने हिसाब से कम करेंगे। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, दारू, ड्रग्स बंद करने पड़ेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। सेल्फ केयर कैसे करोगे एनजाइटी में? कैफीन, चाय कॉफ़ी कम कर दो। कोई भी प्रकार का नशा नहीं लेना है, तंबाकू भी नहीं खाना है, पान मसाला भी नहीं खाना है, आई डोंट केयर, पान भी नहीं खाना है। एक्सरसाइज करनी है, जितना हमने बताया 2 से 2.5 घंटा हफ्ते में, यानी 15 से 20 मिनट पाँच दिन हफ्ते में इम्पॉर्टेंट है, राइट। नींद अच्छी लेनी है 7 से 9 घंटे, और हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी डिसऑर्डर को हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा 10-15 मिनट का योगा मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेगा। सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसके साथ आप काउंसलिंग कर सकते हैं। रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ज़्यादातर केसेस में ये लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारियाँ होती हैं जिसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस ही ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। सो डोंट डिपेंड ऑन मेडिसिन, लाइफस्टाइल पे चेंजेस करना शुरू कर दो। एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ फेयरली वेरी कॉमन, आपके जानने वाले किसी ना किसी को पक्का एंजाइटी डिसऑर्डर होगा ही होगा या उसका कंपोनेंट होगा। सो मेक श्योर टू शेयर दिस प्रॉब्लम डिजीज़, ये जो वीडियो है उसको शेयर करें और लोगों को बताएं कि कैसे उसकी हेल्प ली जा सकती है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दिस कंक्लूड्स। छोटी मोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, इसके अलावा हेल्दी फूड खाना, रेगुलर शेड्यूल रखना, घर से बाहर थोड़ा निकलते रहो, राइट, अपने फ्रेंड्स फैमिली से बात करते रहना, योगा मेडिटेशन करते रहना, एक्सरसाइज करते रहना, नींद सही लेना, राइट। अगर ये सब हो रहा है देन यू आर गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। आई होप दैट मेक्स इट वेल। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ टू आस्क।